जय हिंद। सैमसंग अपनी एस सीरीज को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि जो सैमसंग का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन सीरीज है वो रहता है सैमसंग का एस सीरीज, और इसी एस सीरीज को पूरी दुनिया भर में काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है, क्योंकि एस सीरीज के साथ आपको देखने को मिल जाता है काफी बेहतरीन फीचर्स काफी एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ में। अब सैमसंग इसी एस सीरीज को मार्केट में बेस्ट बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स इसी एस सीरीज के साथ में एड करता रहता है और प्राइसिंग भी काफी एग्रेसिव रखता है। अब इसी एस सीरीज का और एक ब्रांड न्यू 5G स्मार्टफोन जिसका नाम होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी S73 5G काफी जल्दी सैमसंग इंडिया में लॉन्च करने वाला है, और ये जो स्मार्टफोन है वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रह सकता है सैमसंग का। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या कुछ खास इंप्रूवमेंट सैमसंग ने स्पेशली इसी S73 5G के साथ में किया है, लॉन्च डेट और प्राइसिंग क्या होने वाला है, और इस स्मार्टफोन की पूरी कहानी आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसके साथ आपको देखने को मिल जाता है 6.7 इंचेस का एक FHD प्लस डिस्प्ले जो कि आता है सुपर एमोलेड पैनल के साथ में। इसके साथ आपको एक छोटा सा पंचुल भी देखने को मिल जाएगा, और ये जो डिस्प्ले है वो आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। और डिस्प्ले के मामले में आप सभी को पता है भाई, थारा भाई सैमसंग इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले बनाता है। सीरियसली भाई, मजाक की बात साइड में, इसका जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे डेफिनेटली काफी अच्छा दिया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं डिजाइन के बारे में, तो डिजाइन सब्जेक्टिव होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर डिजाइन हर एक लोगों को पसंद नहीं आ सकता। लेकिन इसका जो डिजाइन है, आपने सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा का डिजाइन तो देखा होगा जो कि अपने डिजाइन की वजह से अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसी का जो डिजाइन है वो लगभग 90% तक उठा के सैमसंग गैलेक्सी S73 5G में डाल दिया गया है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो भाई बिल्ड क्वालिटी अभी भी एस सीरीज में आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। इसके साथ अभी भी आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाता है, जो फ्रेम है वो भी यहाँ पे प्लास्टिक ही देखने को मिलते हैं, कोई भी एल्युमिनियम बैग देखने को नहीं मिलता। कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता, हर एक स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होता है। इसके साथ आपको देखने को मिल जाता है 5000mAh के काफी बड़ी बैटरी 45W के सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ में। अगर मैं आपसे बात करूं इसके कैमरा के बारे में, तो सैमसंग ने इस बार एस सीरीज के S73 5G के साथ में कैमरा में भाई काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए हैं। इसके साथ आपको देखने को मिल जाता है 108MP का प्राइमरी सेंसर OIS के साथ में, और ये भाई काफी बड़ी अपग्रेड है, क्योंकि एस सीरीज में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्मार्टफोन में आपको 108MP का कैमरा देखने को मिल रहा है। सेकेंडरी कैमरा आपको देखने को मिल जाता है 12MP का, और ये काम करेगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का। फिर है 10MP का टेलीफोटो लेंस जिसकी हेल्प से आप 5x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं बिना क्वालिटी को लूज किए। फिर आता है 5MP का मैक्रो लेंस। अगर मैं आपसे बात करूं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो लेक्स के हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है वो आ सकता है सैमसंग और AMD के इंटीग्रेशन के साथ में लॉन्च हुआ एक ब्रांड न्यू SoC के साथ में, या फिर ये आ सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 780 SoC के साथ में। एग्जैक्टली कौन से प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा इससे रिलेटेड अभी भी कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन निकल के सामने नहीं आया है। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करने हैं। पैसा ही पैसा होगा। कर दो यार, पैसे थोड़ी ना कट रहे। बायोमेट्रिक्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो इसके साथ आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग का फुल फ्लैश नॉक्स सिक्योरिटी जो कि एस सीरीज की एक काफी अच्छी बात है। साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये जो स्मार्टफोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, और इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा One UI 4.0 जो कि भाई मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट UI है। और अगर मैं आपसे बात करूं इसकी लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है वो आपको देखने को मिल जाएगा 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में। और अगर मैं आपसे बात करूं इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है वो आपको देखने को मिल जाएगा डेफिनेटली 30,000 से 35,000 के बीच में। तो इस प्राइस में डेफिनेटली ये जो स्मार्टफोन है वो मेरे ख्याल से काफी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। बस यही पे आज की वीडियो की एंड हो जाती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे मेरे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।